एंग्जाइटी डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट के बारे में बता रहा हूं मैं, जो बहुत ही कॉमन है, उसके बारे में फिर से एक बार बात करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार से एक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तक हूँ, महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो है वो बहुत कॉमन है। क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे बहुत उनका स्वाभाविक घबराहट जैसा पहले से घबराने वाला एंग्शियस स्वभाव रहता है और उनको फिर ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर होती है, वो जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर उसका नाम है। इनमें होता क्या है, इनमें ये लोगों को छोटी छोटी बात के ऊपर बहुत घबराहट हो जाती है। जैसा लेडी है, शादी हो गई, सास ने कुछ ताने मारे, कुछ टोका, ऐसा बार बार टोकना चालू किया, फिर बाद में उसको एंग्जाइटी हो जाएगी, घबराहट, बेचैनी हो जाएंगी, सांस दिखी की घबराहट। कुछ लोगों को जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, उनको अथॉरिटी जो रहती है, अथॉरिटी अधिकारी, उससे बहुत घबराहट होती है और वो बॉस के सामने जाना ही पसंद नहीं करते, गए तो थर थर कांपना चालू कर देते हैं। कुछ लोगों को कोई बात सुनी घबराहट की, कोई मर गया, कोई एक्सीडेंट हो गया तो घबराहट शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को पैसे का नुकसान हो गया, लॉस हो गया, धंधा चौपट हो गया, फिर वहाँ से फिर घबराहट शुरू हो जाती है, पैसा, पैसे का नुकसान हो गया, पैसा खो बैठे, वहाँ से हो जाती है, डिवोर्स केस हो गया या कोर्ट केस हार गया, मतलब ऐसा कुछ तो भी कारण हो जाता है और ये लोगों को एकदम घबराहट की बीमारी बाहर आ जाती है। अब इनको घबराहट की बीमारी होता क्या है, इनको घबराहट में बहुत बेचैनी, ऐसी सांस फूल जाती है, सांस लेने में उनको ऐसा लगता है कि भाई सांस पूरी आएंगी नहीं आएंगी अंदर, दिल में धड़कन, धड़ 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 धड़, छोटी छोटी बात के ऊपर धड़कन हो जाती है, घबराहट हो जाती है, बेचैनी हो जाती है, हाथ कांपेंगे, उनको लगता है कि अभी कुछ तो भी हो जाएगा, अभी कुछ तो भी हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा, तो अटैक आएगा, मर जाऊंगा। उनको ऐसा लगता है कि सांस पूरा अंदर आता कि नहीं आता, मैं सांस ले सकूंगा कि नहीं ले सकूंगा, अच्छा लिया सांस तो बाहर होगा कि नहीं होगा, सांस का आना जाना अंदर बाहर। फिर उनको निगलने में तकलीफ हो जाती है, जी मछलाता है, फिर कभी कभी पेट में दर्द, एसिडिटी हो जाएंगी, बहुत चिड़चिड़ापन, नींद नहीं आना, छोटी छोटी बात के ऊपर गुस्सा आना, बच्चों के ऊपर गुस्सा करना, और हर बात के ऊपर उनको टेंशन लगता है कि अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अब क्या होगा, मतलब ऐसा बेचैनी है, वो एकदम एट पीस रहते नहीं है, शांति नहीं है, और मतलब घर में बच्चा लेट आ गया तो क्या होगा, कुछ हुआ तो नहीं हुआ, हस्बैंड लेट आ गया तो क्या हो जाएगा, कुछ एक्सीडेंट नहीं हुआ, जाना है ट्रेन से, गाड़ी टाइम पे आएंगी कि नहीं आएंगी, छूट जाएंगी क्या, बर्थ मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, मतलब ऐसा हर बात का एक्सीडेंट हो जाएगा बाहर जाने निकले तो, हर बात के ऊपर एकदम एंग्जाइटी है, वरी है, टेंशन है, और फिर उसके वजह से उनका काम जो है उसके ऊपर बहुत असर हो जाता है, उनके जो रिलेशनशिप है, रिश्ते, उसके ऊपर फर्क आ जाता है, लोगों को अवॉइड करना चालू कर देते हैं। ये लोग डॉक्टरों के पास में जाएंगे, बार बार चेकअप कर लेंगे, मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आया, कार्डियोग्राम निकालेंगे, एंजियोग्राफी कर लेंगे, अलग अलग गोलियां खा लेंगे, फिर ये सब होने के बाद, मतलब उनको मल्टीपल बॉडी सिम्टम भी रहते हैं, तो फिर क्या होता है कि बदन में दर्द है, सर में दर्द कॉमनली होता है लोगों के, गर्दन में स्पेशली ये जो पोर्शन है दो शोल्डर के बीच का, उसमें दर्द होता है, और वो फिर डॉक्टरों के पास में जाते रहते हैं, हड्डी के डॉक्टर के पास में जाएंगे, एक्सरे निकालेंगे, सीटी स्कैन निकालेंगे। देखो ये जो बीमारी है वो ऐसा लगता है कि कोई तो भी बीमारी शरीर की है और उसके जैसी वो दिखती है। सिंपल है कि आप यदि डॉक्टरों को विजिट करते हो और आपका सीटी स्कैन किया, पूरे बॉडी का स्कैन किया, एक्सरेज किए, सोनोग्राफी किए, ब्लड टेस्ट किया, सब करने के बाद में भी आपको यदि कुछ नहीं निकल रहा है तो आपने सीधा साइकियाट्रिस्ट के पास में जाना चाहिए। होता क्या है कि पेशेंट ने बोलने के बावजूद भी उसके फैमिली डॉक्टर बोलते नहीं, मैं दवाई देता हूँ लिख के, और वो खुद दवाई देंगे, और फिर वो खुद दवाई देंगे, अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, वो एकदम लो डोसेज देंगे, बेंजोडाइजेपिन्स, अल्प्राजोलाम जैसा या डाइजीपाम जैसा, और फिर उससे होता कुछ नहीं है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, मगर उनको जो घबराहट है, बेचैनी है, जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, वो कैसा ठीक होगा, उसके लिए तो एक्सपर्टी चाहिए, और फिर वो रेफर करेंगे नहीं, उनको लगता है कि नहीं रेफर किया तो पेशेंट हरदम के लिए मेरे पास से निकल जाएगा, या उनको लगता है कि पेशेंट क्या बोलेंगे, मैंने रेफर किया तो क्या मैं पागल हो गया हूँ, मेरे को छोड़ देंगे और कहीं डॉक्टर के पास चले जाएंगे, इससे जब मैं ट्रीट करूँ, इसलिए वो भेजते नहीं, और फिर हमारे पास में आते आते बहुत टाइम हो जाता है। हम क्या करते हैं, मैं पहले बोलता हूँ कि ठीक है आपको दो तरह का इलाज है, जल्दी आपको अच्छा करना है एकदम फटाक से, बोलता हाँ एकदम जल्दी अच्छा होना, चलो मैं आपको मेडिसिन देता हूँ, इससे एकदम फायदा हो जाएगा, तो एकदम शॉर्ट टर्म थेरेपी है मेडिसिन। अच्छा लॉन्ग टर्म थेरेपी, लॉन्ग टर्म थेरेपी है साइकोथेरेपी और हिप्नोथेरेपी, जिसमें हम हिप्नोटिज्म के हम सेशंस लेते हैं, मैं सेशन लेता हूँ हफ्ते में एक बार ऐसे हिप्नोथेरेपी करता हूँ, सेशंस लेता हूँ, उसको सिखाता हूँ सेल्फ हिप्नोसिस, ताकि माइंड का जो
प्रोग्रामिंग अभी गलत हो चुका है, उसको रीप्रोग्राम करना है माइंड को, तो रीप्रोग्रामिंग ऑफ माइंड करते हैं। उसको सेक्सुअल प्रॉब्लम रहते हैं लोगों को, तो उसका सेक्स ट्रीटमेंट करते हैं, सेक्स काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि उसमें भी उसको एंग्जाइटी, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी रहती है, तो उसमें भी रिश्तों में दरार आती है, तो वो इलाज करते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, मेडिटेशन के लिए मैं बोलता हूँ, तो ऐसा उसका इलाज कर सकते हैं। ये इलाज कब करना है, मतलब कब ऐसा बोल सकते कि जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर है? ये सब सिम्टम्स यदि 6 महीने तक चल रहे हैं, 6 महीने तक कंटिन्यूसली, तो फिर तो पक्का उसको इलाज करने की जरूरत है ही। ऐसा स्ट्रेस कभी हुआ, थोड़े सिम्टम आ गए, तो ठीक है, हो सकता है कि कोई तनाव आ गया तो ये सिम्टम आ रहे हैं, फिर कोई जरूरत नहीं है वैसी। मगर ये सिम्टम्स है, 6 महीने तक है, तकलीफ हो रही है, पूरे बॉडी में दर्द है, मस्कुलर टेंशन है ना, मसल की इरिटेबिलिटी है, मन की इरिटेबिलिटी है, गुस्सा आता है, घबराहट है, रुकना क्यों है? साइकेट के पास में जाना जरूरी है। तो ये आप जरूर इलाज कीजिए और अपनी जिंदगी अच्छी कीजिए। हमारा जो मकसद है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। आप हमें ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, हम ऑनलाइन हिप्नोथेरेपी देते हैं, ऑनलाइन हिप्नोटिज्म के सेशंस करते हैं, उसमें शामिल हो जाइए और आपकी जिंदगी बेहतरीन कीजिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हमारा ऑनलाइन जो प्रोग्राम्स है वो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, हिप्नोटिज्म के, सेक्स काउंसलिंग के, पर्सनल काउंसलिंग के, ऑनलाइन ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। हमारे यहाँ जो व्यवस्था है पेशेंट को बिना रिश्तेदार भर्ती करने की, रिश्ता रूम के साथ में पेशेंट को रहने की जरूरत नहीं, मतलब वो अकेले पेशेंट को हम भर्ती करते हैं, उनका इलाज करते, पेशेंट को घर में भेजते हैं, तो वो भी इलाज हमारे यहाँ आपके पेशेंट को हमारे यहाँ लंबे समय तक भी रख सकते हैं, जिसमें मंदबुद्धि के लोग हैं, जिसमें बुढ़ापे के जो मानसिक बीमारियाँ वो है, क्रॉनिक स्किज़ोफ्रेनिक्स है, उनको हमारे यहाँ रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।